आखिरकार हिंद महासागर क्षेत्र में क्या हो रहा है? क्या भारत 571 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रहा है? यूएस और यूके के युद्ध पोतों ने क्यों लंगर डाल दिया है चेन्नई में? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के नेता अब पीओके मामले पर टूट पड़े हैं। जानेंगे पाकिस्तान से क्यों भिड़ गए। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह सीआईएस न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। वैसे तो ये ग्रीस है यहाँ पर और पाकिस्तान काफी दूर है यहाँ पर। दोनों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अचानक से ग्रीस भड़का है पाकिस्तान के ऊपर। भड़कने के पीछे एक बड़ा कारण भी है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत और ग्रीस की दोस्ती, तो ये बात तो पक्की बात है कि भारत और ग्रीस काफी तेजी से अपने रिश्तों को बढ़िया कर रहे हैं। कई मामलों में एक दूसरे के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ग्रीस का यूरो बैंक भारत में अपना एक शाखा खोलने जा रहा है। दोनों के बीच में लोकल करेंसी में व्यापार की बात भी कही जा रही है। न सिर्फ इतना बल्कि भारत जो आईएमएफ कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, इस आईएमएफ कॉरिडोर में भी ग्रीस के साथ साथ कई सारे देश यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि इजिप्ट, इराक, ओमान और यहाँ तक कि तुर्की भी भविष्य में इसी प्रोजेक्ट में जुड़ सकता है। पर इन सब के बीच में ना एक समस्या है। स्क्रीन पर एक मैप देखिए, ये है जगह साइप्रस को लेकर। तुर्की और ग्रीस में ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर है। और यहाँ पर हाल फिलहाल में अर्दोगन ने एक बयान दिया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन इसी सप्ताह साइप्रस को लेकर एक बयान देकर मशहूर हो गए, लेकिन ग्रीस को नाराज कर दिया। अर्दोगन ने कहा था कि साइप्रस को तो तुर्की राज्य का हिस्सा होना चाहिए। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया था, काफी सारे हिस्से को कब्जा लिया था। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि वो हमला ठीक ही हुआ था, और अगर तुर्की की सेना आगे बढ़ जाती और पूरे साइप्रस पर कब्जा कर लेती तो कोई साइप्रस नाम का समस्या ही नहीं होता। ग्रीस के नेता अर्दोगन के बयानों को लेकर बुरी तरीके से नाराज हुए। उन्होंने कहा कि एक बात तो समझ में आ गया कि अर्दोगन इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय चुनाव हुए हैं उसमें अर्दोगन की पार्टी पिछड़ गई है, और जो हताशा सामने आई है उसे लेकर ये कट्टरपंथी राष्ट्रवादी वोटों की जरूरत है, इसीलिए ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पर मामला सिर्फ इतना ही नहीं रहा। हुआ ये कि पाकिस्तान तो आए दिन कश्मीर का राग अलापता रहता है, पूरी दुनिया में दुष्प्रचार करता रहता है कि भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, लेकिन अब यहाँ पर वैश्विक फोरम में भी बातें उठने लगी है। ग्रीस के एक बड़े नेता ने पीओके में हो रहे चीजों को लेकर पाकिस्तान को जमकर सुनाया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हो रहे हैं इनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रहा है पाकिस्तान। कोस्टेटिनोज इन्हें देख सकते हैं आप। यूएन के जिनेवा कार्यालय में तुर्की के कब्जे वाले साइप्रस की एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे ये। जब ये जिक्र कर रहे थे तो इस रिपोर्ट को पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया था। दरअसल पाकिस्तान ने तुर्की के सपोर्ट में ये काम किया था। इसे लेकर ग्रीक नेता ने पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया। साइप्रस मुद्दे को छोड़कर ग्रीस के नेता कूद गए पीओके को लेकर, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपने वहाँ पर ऐसा क्या काम किया है, आप सिर्फ वहाँ पर जो भी नीतियाँ बना रहे हैं वो उत्पीड़न की नीतियाँ हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के जगत में कोई भी देश अपने लोगों को असहमति और बुनियादी आजादी के अधिकार से, उन्होंने कहा कि आज के समय में अपने लोगों को असहमति और बुनियादी आजादी के अधिकार से कोई भी वंचित नहीं रख सकता है, और मैं वैसा ही महसूस करता हूँ उत्तरी साइप्रस और पीओके को लेकर। खैर, जहाँ एक तरफ यहाँ पाकिस्तान से भिड़ गया ग्रीस, तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हुई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत बड़ी चीज है जो इस वक्त देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें, इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए पश्चिमी देशों के पास सिर्फ एक ही शक्तिशाली पार्टनर बचा है, और वो है भारत। अमेरिका समेत पश्चिमी देश इंडो पैसिफिक में अपने युद्ध पोतों को अगर
पानी में रखना चाहते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से भारत पर निर्भरता हो गई है। इस कड़ी में ये देखने को मिला है कि ब्रिटेन के दो युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में घूमने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इनको मेंटेनेंस की जरूरत थी तो ये भारत पहुंचे। लगातार अमेरिकी युद्धपोत भी भारत पहुंच रहे हैं। भारत के अलावा कोई और सेंटर नहीं मिल पा रहा है। अब चाइना की नौसेना काफी बड़ी हो रही है। चाइना अपनी नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में भी भेजने लगा है, दक्षिण चीन सागर में भी भेजने लगा है और अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में बराबर आना जाना चाहते हैं, युद्ध पोतों को लाना चाहते हैं। युद्ध पोत आ तो जाते हैं, लंबी लंबी दूरी के युद्ध पोत हैं, लेकिन इनको बीच में ईंधन भरने की जरूरत होती है, मेंटेनेंस की जरूरत होती है, कुछ डैमेज हो गया तो उसको ठीक कराने की जरूरत होती है। पहले क्या था, एशिया में अमेरिका ने कई शिपयार्ड बना रखे थे लेकिन उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि एक समय आएगा जब चाइना के साथ ही उसके पंगे हो जाएंगे। पर अब चाइना के साथ जब पंगे हो गए हैं तो वो अपने शिपयार्डों को मरम्मत करवा रहा है, लेकिन उसमें तो वक्त लगेगा। अमेरिका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस हर जगह अपने शिपयार्ड को इस वक्त बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है, पर फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत से ज्यादा शक्तिशाली देश एशिया में कोई नहीं है जो उनके युद्ध पोतों के लिए बड़ी मदद कर सके। दक्षिण चीन सागर की एंट्री पॉइंट मलक्का जंडमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट, भारत का पूरी तरीके से यहाँ कंट्रोल है। ऐसे में अब भारत पर निर्भर हो रहा है अमेरिका और देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच कई MOU भी साइन हुए हैं। यहाँ चेन्नई में LNT शिपयार्ड में मरम्मत की जा रही है अमेरिका के युद्ध पोतों की। खैर, सिर्फ अमेरिका के ही नहीं, दो ब्रिटिश जहाज भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब सवाल ये है कि पश्चिमी देशों के इंडो पैसिफिक प्लान में भारत कहाँ पर है। भारत अपने 571 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रहा है। सुनकर आपको लगेगा कि ये तो कोरी बकवास है। जी नहीं, नहीं डूबने वाले। भारत के पास 571 द्वीप हैं और उन द्वीपों को एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में विकसित किए जाने का प्लान है। इन्हें अकल्पनीय एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जा रहा है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास किया जाएगा ताकि भविष्य के युद्ध में तैयारी पूरी की जा सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।